कि मैं कैसा लग रहा हूँ चश्मे के साथ, है ना। बस मुझे पता है कि कुछ कुछ हाथ नहीं लग रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी देखो जस्ट मैं नहा धो के तो नहीं, मतलब हाथ पैर धो के केवल निकल लिया हूँ अपने घर के लिए। और मैं जा रहा हूँ 41 दिन के बाद मेरे घर। तो भाई साहब समझ सकते हो फीलिंग, वो अनुभव और वो जज्बात और वो खुशी अलग ही चमक रही होगी चेहरे पे। फिलहाल तो मैं जाता हूँ, पता है ना आपको भोपाल जंक्शन से। आप अगर भोपाल जंक्शन गए हैं कभी तो कमेंट में देख दें। तो फिलहाल चलता हूँ रत्नागिरी बाईपास, वहाँ से अपन पकड़ते हैं रिक्शा। और रिक्शा पकड़ के डायरेक्ट ये था, मतलब एक्चुअली में हुआ ये था कि मैं पिछली बार गया था ना, तो मैं लेट हो गया था। मैंने सोचा इस बार कैसे लेट होगा, आधे घंटे पहले ही चलते हैं। तो अभी मैं आ गया रत्नागिरी पे 6:30 पे, 7:30 पे ट्रेन है। तो अब लेट होकर दिखाओ भाई साहब, अब हो के दिखाओ लेट भाई साहब। ये देखो रत्नागिरी बाईपास, यहीं से मैं डायरेक्ट जाता हूँ, मतलब यहीं से मैं पकड़ता हूँ यहाँ से टैक्सी डायरेक्ट जंक्शन के लिए। यहाँ से अगर आप जाते हैं तो ऑटो रिक्शा वाला आपको 20 रुपये में भोपाल जंक्शन छोड़ देगा। और इस तरफ वाले रास्ते से आप कोकता बाईपास या रायसेन रोड जा सकते हैं। ये वाला जाता है अपना पिपलानी तरफ। तो अभी मैं यहीं पे अपनी बस के लिए वेट कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे ऑटो रिक्शा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सुबह सुबह लोग आते जाते नहीं जाते, इसलिए वो भी लोग जल्दी उठते नहीं, लगभग 7 के बाद ही आते हैं। तो थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ से बस पकड़ने, मतलब ऑटो रिक्शा पकड़ने। तो जस्ट अभी भोपाल जंक्शन पे आ गया हूँ, मतलब आधे घंटे पहले। तो मैं तो अभी आई नहीं हूँ, इसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा। स्टेशन पर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। अरे मैंने कुछ खाया भी नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो जलेबी समोसा कुछ हो जाएगा, चलते थोड़े स्टेशन के बाहर। फिलहाल आप देखते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ पड़ रही है। तो अब भी जस्ट ट्रेन तो आ गई है, ये देखो मैम बैठते हैं और कुछ लाया हूँ, उसको खाएंगे बैठ के। तो पहले नंबर तो सीट पा लेना चाहिए। अभी मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया अपना थोड़ा सा, अब ज़्यादा 2-3 घंटे के लिए भूख तो नहीं लगी। फिलहाल देखो आपको मेरी पूरी ट्रेन खाली पड़ी, 7:30 पे निकल जाएगी और पता नहीं कितने पे पहुँचेगी। वैसे यहाँ से एक्सप्रेस बन के जाती है। अभी आ गया हूँ मैं स्टेशन पे, तो पहले चलते हैं बाहर, उसके बाद आपको दिखा। तो आज का सीन कुछ ये है कि आज मैं आया हूँ ना, तो भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं खास थी, मतलब नॉर्मली भीड़ थी, इसको नॉर्मली कह सकता हूँ। कई कई दिन तो मतलब भीड़ तो मिलती नहीं है, लेकिन आज ट्रेन में मिली थी, बहुत अधिकतर भीड़ें खाली भी थी। और आज स्टेशन पर कमी जो होती है, मतलब ऑल ओवर ट्रेन। तो अभी देखो ये अपना मंडी बामोरा का बाजार, लोकल बाजार, चश्मा लगा के मैं थोड़ा जा रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस की, मतलब लोग ये ना समझे ये क्या हो रहा है। मतलब फिलहाल बस स्टैंड पर चलते हैं और आप देख सकते हैं लोकल मार्केट, मतलब यहाँ पे बाजार वगैरह कपड़े वगैरह यहीं पे मिलते हैं, बाजार भी यहीं पे लगता है। तो जितने भी भाई और बंधु गुरबाई और मंडी बामोरा और आसपास के क्षेत्रों से देख रहे हैं, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और लिख देना जय बुंदेल का और ये अपना अजी भाव रावत कर भाई।
दर्द संभालने होंगे। फसले फसले, यस गाइस यस फसले। सो गाइस, तो जस्ट अभी मैं बहुत सारा काम ख़त्म करके आया, मतलब मंडी मामोरा से मैं खुदवाई है, खुदवाई से आने के बाद मैं दीदी के यहाँ घूमने गए, उसके बाद मैं कुछ दोस्तों से मिला और उसके बाद भी थोड़ा काम किया और फिर मैंने भैया से बाइक लेके घर पे आ गया। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कटाई का काम बहुत तेज़ी जोरों शोरों से चल रहा है। तो क्या है कि हार्वेस्टर चल रहा है ना, और आपको मैंने एक दो क्लिप यहाँ पे डाली भी हैं गाँव की, तो अब आपको रेगुलर गाँव के ब्लॉग देखने को मिलेंगे कुछ दिन तक। तो आप मुझे सपोर्ट करना यार, क्योंकि यार आप चैनल को ग्रो करवा दो और मोनेटाइज करवा दो। तो फिलहाल मैं गाड़ी बाइक से, तो ये देखो ये मेरे गांव का लोकल रास्ता है ना। यहाँ पे एक दो दिन पहले बारिश हुई थी, बाकी मौसम अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियो में अच्छा दिख रहा है। तो आप प्लीज़ यार सपोर्ट करना यार, ताकि हमारा चैनल जल्दी से ग्रो पाए, मोनेटाइज हो पाए, तो मुझे कुछ हेल्प मिल पाए।